जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सौबान। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 के बारे में, जो कि ग्रुप एक्स और वाई ट्रेड्स के लिए निकाली गई है। डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये रिक्रूटमेंट क्या है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर विजिट करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप इस आर्टिकल में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है क्या सारी चीज़ें। जॉब समरी आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। तो कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 27 नवंबर, यानी 27 नवंबर से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत आपको ध्यान देना होगा, सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन 28 नवंबर 2020 तक ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक दिन का समय है। रैली डेट जो है 10 से 19 दिसंबर 2020 तक होगी। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग ट्रेड के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए समझते हैं, तो कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया है इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 या फिर उसके कोई भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है विथ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, जिसमें आपके 50% मार्क्स हो इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स हो इंग्लिश में, तो आपने ये तीन सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश में 50% जो है मार्क्स हासिल किए हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी ब्रांच में, जहां पर जो आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये किसी भी गवर्नमेंट रिकोगनाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ओवरऑल एग्रीगेट की बात हुई यहाँ पर, और 50% मार्क्स आपने इंग्लिश में लिए हो इन अ डिप्लोमा और इन इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। तो अगर डिप्लोमा में आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है तो इंटरमीडिएट में यहाँ पर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए और उसमें आपने 50% मार्क्स स्कोर किए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई ट्रेड के लिए क्या चाहिए है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ग्रुप वाई ट्रेड में एक्सेप्ट ऑटो टेक IFP और IFS एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, या फिर आपने 10+2 किया हो, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब 10+2, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम हो किसी भी स्ट्रीम से, सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर किए हो, और साथ ही साथ इंग्लिश भी हो आपके पास क्लास 12th में, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या फिर हो, या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो किसी भी एजुकेशन बोर्ड से जो कि लिस्टेड होते हैं COBSE मेंबर के साथ हो, मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, 50% मार्क्स अंग्रेजी में आपके हो, और वोकेशनल कोर्स किया हो, ये वोकेशनल कोर्स की यहाँ पर हमने बात करी। इसके अलावा इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन इंग्लिश में अगर आपने वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था वोकेशनल कोर्स में, तो आपका इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन के इंग्लिश के स्कोर यहाँ पर देखे जाएंगे। अब ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए बात हो रही है यहाँ पर, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 या फिर मतलब क्लास 12th, या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट और एजुकेशन बोर्ड विद मिनिमम 50 मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपके, एज वेल एज इन इंग्लिश इन क्लास 12th, तो क्लास 12th में इंग्लिश होनी चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, यहाँ पर ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुई। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 में आप कब अप्लाई कर सकते हैं? आप तब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जब आपका जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो, और आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी क्वालिफाई करे हो, आपने एक्स वाई या फिर ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एज लिमिट भी देखनी होगी।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको तीन हाइपरलिंक भी दिए हैं जहाँ पर आप एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको इस पेज के ऊपर। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको हाइपरलिंक दिया हुआ है एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर। पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं सीधे हाइपरलिंक पर क्लिक करके। अब एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2020 और जो 21 है उसका रैली का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो आपको बता देते हैं। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन PFT, रिटन टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एग्जाम। तो जो भी क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो है विल बी कॉल्ड फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आगे का जो प्रोसेस होगा आपका, सबसे पहले PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा, आप पहला स्टेज क्वालिफाई करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं सबसे पहले तो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, एज लिमिट देखें, और 27 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आप जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपको बुलाया जाएगा तो उसमें जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो आपके काम आएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020 और 21 से रिलेटेड, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं airmanselection.cdac.in पर। कब से अप्लाई कर सकते हैं तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी पसंद आई, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।